कैसे हो? तो भाई, अगर आप कोई नया YouTube चैनल ओपन किया हो YouTube में, तो आपको बहुत सारे प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है, जैसे कि मैंने किया था। लेकिन मैं आपके लिए एक ऐसा वीडियो लेके आया हूँ ना, जो जिसको देखने के बाद आपको कोई प्रॉब्लम होगा ही नहीं। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, और पसंद आया तो लाइक कर देना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रॉब्लम आता है ना, वो आता है टैग को लेके। तो टैग में क्या प्रॉब्लम आता है आपको, मतलब अगर आप अच्छा टैग नहीं लगाओगे तो आपका वीडियो मतलब परफॉर्म नहीं कर पाएगा, उतना अच्छा वायरल नहीं होगा। तो आपको सिंपली कुछ नहीं करना, मैं आपका ऐप का नाम बताऊंगा जो कि है टैग यू। तो अगर वो आप ऐप अगर डाउनलोड कर लोगे तो आपका क्या फ़ायदा होगा। तो सोचिए, आपने कोई एक फ़नी वीडियो बनाया फिर, या फिर कोई एक प्रोडक्ट का रिव्यू बनाया, तो समझ लीजिए पहले भी ऐसा कुछ रिव्यू बन चुका है, तो वो बहुत ही अच्छा व्यूज़ लेके बैठा है। तो आपको सिंपली कुछ नहीं करना, उसका लिंक कॉपी कर लेना है और इस ऐप में पेस्ट कर देना है। तो आपको पता चल जाएगा कि भाई उस बंदे ने कौन कौन सा टैग यूज़ किया है, तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा। या फिर अगर चाहो तो उसका टैग आप कॉपी करके अपने टैग में लगा सकते हो, जिससे कि आपका वीडियो चल जाएगा। तो भाई बहुत ही आसान है, मैं आपको दिखाता हूँ प्रोसीजर कैसे करना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। भाई सिंपली आपको प्ले स्टोर में चले जाना है। प्ले स्टोर में जाके आपको टैग उस ऐप को जो सर्च कर लेना है, उसके बाद उसको सिंपली इंस्टॉल करना है। मेरा इंस्टॉल्ड है, तो मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूँ उसका इंटरफेस कैसा होने वाला है। तो इसका इंटरफेस कुछ ऐसा है। तो सिंपली इसके बाद आपको अपना यूट्यूब ओपन कर लेना है, जैसे कि मैं करने वाला हूँ। ओपन करने के बाद आप जिस टॉपिक पर वीडियो बनाए हो वो एक बार सर्च कर लीजिए। तो सर्च करने के बाद आपको देखना है कि कौन सा वीडियो सबसे ज़्यादा व्यूज़ लेकर बैठा है। तो जैसे कि मैंने अभी टेक्निकल गुरुजी का किसी एक रैंडम वीडियो का कॉपी कर लिया, क्योंकि उनका हर वीडियो अच्छे व्यूज़ लेके बैठा होता है। फिर सिंपली जाके मुझे यहाँ पर इसको पेस्ट कर देना है, कुछ ऐसे। पेस्ट करने के बाद थोड़ा सा ऐड लेगा ये, तो छोटा सा ऐड आता है। तो ऐड आने के बाद आपको सिंपली इधर टैग मिल जाएगा, आप यहाँ से टैग देख सकते हो, कॉपी भी कर सकते हो। तो देखिए मैंने कॉपी कर लिया। इसके बाद आपको अपने क्रोम पे चले जाना है, अपने यूट्यूब स्टूडियो में। मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप जो वीडियो अपलोड करते हो हमेशा यहाँ से ही करो। उसके बाद आपको कोई वीडियो चूज़ कर लेना है। उसके बाद एडिट मोड पे जाके आपको अपने टैग में जाके उसको पेस्ट कर देना है। देख सकते हो मेरा ऑलरेडी पेस्ट है, तो मैं पेस्ट नहीं कर रहा, लेकिन आप लोग चाहो तो उसको पेस्ट कर सकते हो। इससे क्या होगा कि भाई जो जो ट्रेंडिंग है उसमें आपका भी वीडियो ट्रेंड कर जाएगा। तो बहुत ही सिंपल ट्रिक है, आप आसानी से इसको यूज़ करके अपने वीडियो को वायरल कर सकते हैं। सर जो प्रॉब्लम आता है वो आता है कॉपीराइट क्लेम को लेकर। तो जो नए यूट्यूबर होते हैं ना, उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है कि कौन सा सॉन्ग चूज़ करें या फिर क्या चूज़ करें, जिससे क्लेम नहीं आए। पर कभी कभी आ जाता है, जैसे कि मेरे को अभी एक दो बार आ चुका है। तो भाई उसको रिमूव कैसे करना है, तो आप को मैं वैसे तो मेरे चैनल में कोई क्लेम है नहीं, तो मैं आपको परफेक्ट नहीं दिखा सकता, लेकिन मैं आपको एक प्रोसीजर बता दूंगा जिससे कि आपका अगर क्लेम आया तो आप उसको हटा सकते हो। तो चलिए स्क्रीन की तरफ चलते हैं। तो गाइस, अगर आपको क्लेम आता है ना, तो आपको जो पब्लिक वाला ऑप्शन होता है ना, उधर आपको एक क्लेम ऑप्शन मिल जाता है। उधर जाके आपको तीन ऑप्शन मिल जाएंगे, एक तो रिमूव ट्रैक, ऐड ट्रैक या फिर म्यूट। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप म्यूट कर देना, जिससे कि आपका वो म्यूट हो जाएगा, आपका क्लेम हट जाएगा। और अगर सॉन्ग ऐड करना चाहते हो तो उसका ऑप्शन भी आपको मिल जाएगा। बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, लेकिन इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। तीसरा प्रॉब्लम आता है भाई, अगर आपने नया नया वीडियो बना रहे हो, फेस कैम कर रहे हो या फिर ऐसा कुछ कर रहे हो, तो बहुत टाइम आप क्या कुछ गलत बोल देते हो या फिर कुछ कॉपीराइट चीज़ें यूज़ कर लेते हो, आपको बाद में पता चलता है। तो सिंपली उसको रिमूव करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा अपलोड होने के बाद, तो मैं आपको दिखाता हूँ। तो स्क्रीन की तरफ चलते हैं। तो गाइस देख सकते हो मैं अपने YouTube स्टूडियो में आ चुका हूँ। इधर अगर आपको एडिट मोड पे आ जाना है, अगर आपको वीडियो एडिट करना है, तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। और भाई आपको जहाँ तक आपको एडिट करना है वहाँ पर ये मार्क को आपको लगा देना है। उसके बाद आपको ट्रिम वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे कि आप देख सकते हो ट्रिम वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो ये जहाँ तक आप खींचोगे वहाँ तक आप स्प्लिट कर दोगे, तो वो वीडियो कट हो जाएगा। जैसे देख सकते हो नीचे स्प्लिट का ऑप्शन भी आपको अवेलेबल हो जाता है। ये तो हो गया सामने का ऑप्शन। अगर आप बीच में से कहीं पर करना चाहते हो, तो जितना बड़ा आप कट करना चाहते हो उतना बड़ा आप कट कर सकते हो, मतलब उसको रिमूव कर सकते हो। बहुत ही ज़्यादा आसान है। इसके बाद सोचो अगर बीच में आपको कोई पार्ट आपको एडिट करना है या फिर उसको रिमूव करना है, तो आपको सिंपली उधर आपको उस पर
मार्क जहाँ पर आपको करना है उस टाइमिंग पे आपको जस्ट चले जाना है, देख सकते हो मैं चला गया हूँ। उसके बाद वहाँ पर आपको अपना मार्क लगा देना है, जैसे कि देख सकते हो मैं लगा रहा हूँ। एक टाइमिंग आपके हिसाब से आपको एक बार वीडियो देखना है किस टाइम पर आपको रिमूव करना है। उसके बाद आपको स्प्लिट वाला ऑप्शन मिल जाएगा, तो स्प्लिट वाला ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है आपको। तो सिंपली स्प्लिट वाला ऑप्शन में क्लिक करूँगा तो आपके सामने कुछ ऐसा ऑप्शन आ जाता है। तो उसके बाद आपको देख सकते हो बीच में से भी आप उसको खींच के जितना पोर्शन आप कट करना चाहते हो आराम से कट कर सकते हो, जिससे कि आपका जो प्रॉब्लम होगा वो आराम से सॉल्व हो जाएगा, या फिर अगर आपका क्लेम होगा तो वो आराम से हट जाएगा। पॉइंट है हमारा वो होता है मतलब अब अगर एंड स्क्रीन कैसे लगाना होता है, तो बहुत लोगों को ऐसा पता नहीं और बहुत लगाते भी नहीं एंड स्क्रीन। तो एंड स्क्रीन लगाने का फ़ायदा क्या होता है, तो एंड स्क्रीन में आपको एक सब्सक्राइब बटन मिल जाता है, जिससे कि बंदे को अगर आपका वीडियो पसंद है तो वहाँ से वो सब्सक्राइब कर सकता है, या फिर अगर आप उधर अपना कोई क्या कहते हैं उसको अगर प्लेलिस्ट दे देते हो तो उसको भी वो चेकआउट कर सकते हैं, जिससे कि आपका वॉच टाइम एंड व्यूज़ इंक्रीज हो जाएगा। और आपका चैनल को भी चैनल को अगर विजिट करेगा तो उसको सब्सक्राइब करने का भी इच्छा हो सकता है, या फिर आपका कोई अगर वीडियो का लिंक दे देते हो तो फिर वो वीडियो भी वो देख सकता है। अगर एंड स्क्रीन में आप वो वीडियो लगा देते हो तो आपका पिछला वीडियो भी वो पिछला या फिर बाद वाला कोई वीडियो देख सकता है, जिससे कि आपका व्यूज़ इंक्रीज होगा। तो इसको कैसे लगाते हैं बहुत लोगों को पता होगा, पर मैं फिर भी आपको दिखा देता हूँ कि कैसे लगाना होता है। तो भाई आपको इधर एंड स्क्रीन का ऑप्शन मिल जाता है जब आप वीडियो अपलोड करोगे आपके राइट साइड में, तो देख सकते हो बहुत ही आसान है। अब अगर चाहो तो अपने हिसाब से अपना टाइमिंग भी चेंज कर सकते हो, जैसे कि मैं आपको अभी करके दिखाता हूँ, देख लो। तो एंड स्क्रीन पे गया, उधर जाके मैं टाइमिंग चेंज कर सकता हूँ, और इधर देख सकते हो पहला ऑप्शन में जाके आप कोई भी वीडियो चूज़ कर सकते हो, बहुत आगे का या फिर बात का कहीं का भी आप वीडियो का लिंक लगा सकते हो, और बीच में आपको सब्सक्राइब बटन मिलता है, और इधर जाके आप इसको कहीं पर भी ड्रैग कर सकते हो आपका जहाँ अच्छा लगे। तो मेरा यहाँ अच्छा लग रहा है। इसके बाद आप कोई भी एक प्लेलिस्ट चूज़ कर लो, और अपने प्लेलिस्ट ज़रूर बना के रखना, बहुत ज़्यादा काम आता है। तो देख सकते हो आपको लेफ्ट में प्लेलिस्ट का ऑप्शन मिलता है, उधर जाके आप कोई भी एक रैंडम प्लेलिस्ट सिलेक्ट कर लेना। तो एंड स्क्रीन लगने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाता है, जिसमें सब्सक्राइब बटन, प्लेलिस्ट और आपको एक वीडियो का लिंक रहता है। पॉइंट है वो है मतलब आई बटन को लेगा, मतलब इधर जो आई बटन होता है ना उस आई बटन को लेगा। तो आपको वो कैसे लगाना होता है, उससे आपको फ़ायदा क्या होगा, तो आई बटन में आप अपने दूसरे या फिर पिछले वीडियो का लिंक दे सकते हो, जिससे कि उस मतलब जो बंदा आपका विजिटर है वो अगर नया है तो आपका पिछला वीडियो भी वो आराम से देख सकता है, या फिर आपका उसको मतलब आपको जो टाइटल वो पसंद आता है तो अगर वो इंटरेस्ट होता है तो वो भी देख सकते हैं, या फिर आप किसी चैनल का लिंक दे सकते हो अपने दूसरे चैनल का, या फिर किसी और का चैनल का अगर प्रमोट करना चाहते हो तो उसका लिंक दे सकते हो, या फिर कोई प्रोडक्ट का लिंक भी दे सकते हो। तो बहुत लोगों के पता नहीं होता, वैसे मेरे बहुत सारे दोस्त है जो कि उनका चैनल लेकिन आई बटन नहीं देते, तो भाई वो लगाना बहुत ज़रूरी है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि भाई कैसे आई बटन लगाते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस देख सकते हो एंड स्क्रीन के नीचे आपको कार्ड्स का ऑप्शन मिलता है, उस पर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। उसके बाद आपका ब्राउज़र जो कि है ओपन हो जाएगा आपके सामने। तो ओपन होने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिल जाता है। तो मैंने तो ऑलरेडी आई बटन दे रखा है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कैसे देते हैं। तो देख सकते हो मैंने 5 टाइमिंग पे दे के रखा है, आप अपने हिसाब से टाइमिंग दे देना आपको कहाँ देना है। तो भाई इधर आपको ऐड कार्ड्स ऑप्शन मिल जाता है, जब आप अपलोड करोगे तो वो इनेबल रहेगा। तो मेरा तो अभी सब कुछ दिया हुआ है तो मैं इनेबल नहीं कर सकता, तो किसी भी टाइमिंग में जाके आप इसको चेंज भी कर सकते हो आप चाहो तो, या फिर वीडियो या फिर चैनल का लिंक दे सकते हो, या फिर ऐड कार्ड जाके आप अपने दूसरे वीडियो का लिंक भी आराम से दे सकते हो, जिससे कि आपका जो विजिटर होगा वो आपके दूसरे वीडियो को भी आराम से देख पाएगा। जैसे कि देख सकते हो इधर 5-5 आप दे सकते हो, उसके साथ आप वीडियो का लिंक किसी और का, या फिर आप चाहो तो किसी और का चैनल का लिंक भी बहुत ही आसानी से दे सकते हो, और बहुत ही आसान है, इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। जैसे कि देख सकते हो मेरा आई बटन में 5-5 वीडियोज़ है, तो बहुत ही ज़्यादा मेरे को फ़ायदा होता है इससे। बहुत लोग अगर इस पर क्लिक करेंगे तो मेरे को व्यूज़ आराम से आ जाएंगे, और आपका भी व्यूज़ आ जाएगा, इससे आपका वॉच टाइम भी इंक्रीज़ हो जाएगा, जैसे कि आप देख सकते हो। इसके बाद अगर चाहो तो आप इधर चैनल का किसी और का चैनल का लिंक या फिर कुछ भी दे सकते हो बहुत आराम से। मैं आपको YouTube में जाकर दिखाता हूँ, मैं YouTube में आ गया, मेरे चैनल में आ गया। तो भाई कोई भी एक रैंडम वीडियो मेरे को चूज़ कर लेना है, जैसे कि मैंने ये वाला वीडियो चूज़ कर लिया। तो इधर आपको आई बटन दिख रहा होगा, अगर मैं क्लिक करूँगा
तो आपके सामने कुछ ऐसा आ जाएगा, देख सकते हो मेरे सारे के सारे आई बटन में वीडियोस थे वो आ गए। तो आप भी यह कर सकते हो, इससे आपका वीडियो वायरल होने के साथ साथ आपको व्यूज़ आने का भी बहुत अच्छा चांस रहता है। तो इधर जाके आप चेकआउट कर सकते हो अपना आई बटन जैसे कि मैं करता हूँ, उसके साथ साथ अपना एंड स्क्रीन भी आप चेक कर सकते हो जिसमें कि आपको सब्सक्राइब बटन भी प्रोवाइड किया रहता है। तो यही था कुछ ट्रिक जो कि आप यूज़ कर सकते हो। अगर आपका नया चैनल है तो भाई बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है आपके वीडियो को रन करने के लिए या फिर ट्रेंड करने के लिए। तो भाई वीडियो पसंद आया तो आपको पता है क्या करना है, लाइक करना है और चैनल में अच्छा सा कमेंट कर दो कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए, या फिर अगर इस वीडियो में आपको कुछ गलत लगा तो। और भाई आप लोग सब्सक्राइब बिल्कुल भी नहीं करें, थोड़ा सा सब्सक्राइब कर दो, सपोर्ट दिखा दो अपने भाई को। अगर आपका भी नया चैनल है तो सपोर्ट दिखा दो, अच्छा लगता है। और ऐसे ही मैं बेहतरीन कंटेंट लाता रहता हूँ रोज तो नहीं, एक दो दिन बाद। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और बेहतरीन टॉपिक के साथ। तो तब तक के लिए आपका भाई सिद्धांत साइनिंग ऑफ।